जब से मैंने जमीनों आसमान को पैदा किया है, मिन्हा अरबातुन हुरुम, इसमें चार महीने हुरमत वाले हैं। कितने महीने? चार महीने हुरमत वाले, अजमत वाले हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि इन चार महीनों में आपने क्या करना है। ये कितने अदब और एहतराम वाले महीने हैं, ये महीने जिसमें मुहर्रमुल हराम भी शामिल है। उन चार महीनों में से रजब है, ज़िलक़ाद है, ज़िलहज है और मुहर्रम है। ये चार महीने अल्लाह ने हुरमत वाले बनाए। मिन्हा अरबातुन हुरुम, हुरमत वाले, अदब वाले, एहतराम वाले। अल्लाह ने हुक्म क्या फरमाया? फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। अल्लाह ने वाज़े हुक्म फरमा दिया कि इन महीनों के अंदर अपने जिस्मों पर, अपनी जानों पर ज़ुल्म न करना। अल्लाह ने क्या कुरान के अंदर फरमा दिया? इन महीनों के अंदर फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, अपनी जानों पर ज़ुल्म न करना। अल्लाह ने अब मेरे मुसलमानों वाज़े मना फरमा दिया। बड़े अदब वाले महीने हैं, बड़े एहतराम वाले महीने हैं। उन महीनों में मुहर्रम का महीना भी शामिल होता है। ये इतना अजमत और बाबरकत वाला महीना है, इसमें अशूरा का दिन है, 10 मुहर्रम और हराम। अशूरा को कोई फजीलत हज़रत हुसैन की वजह से नहीं मिली, अशूरा को फजीलत तो पहले से मौजूद थी। अशूरा की फजीलत और अजमत अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के रसूल के यहाँ पहले इसकी कदर व कीमत बहुत ज़्यादा थी। और शाम वाला ये दिन था 10 मुहर्रम का। यहूदी इस अशूरा वाले दिन रोज़ा रखते थे। अल्लाह के नबी ने यहूदियों से पूछा कि ऐ यहूदियों, आप इस 10 मुहर्रम को, अशूरा वाले दिन आप रोज़ा क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मानने वालों को अल्लाह ने फिरौन से जो है निजात अता की थी, जो 10 मुहर्रम का दिन था। हम उस खुशी में जो है इस दिन रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम आपसे ज़्यादा हज़रत मूसा को मानने वाले हैं, हम आपसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। आपने हुक्म मुसलमानों को फरमाया अशूरा के दिन भी रोज़ा रखना है, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है, साथ एक दिन और मिलाना है, चाहे 9वीं मुहर्रम का मिला दें दिन, चाहे 11वीं का। आपने मुसलमानों दो दिन जो है अशूरा वाले मुहर्रम के 10 और 11 या 9 और 11 को रोज़ा रखेंगे। तो सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, इन रोज़ों का अजर कितना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अशूरा का रोज़ा रखेगा अल्लाह एक साल के गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह एक साल के गुनाह माफ़ कर देगा। आज अशूरा वाले दिन तो तकीद है, अल्लाह के नबी की हदीस मुबारका के रोज़ा रखे एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यहाँ तो सारा दिन सबीलें चलती हैं बाज़ारों में, सारा दिन खुलेआम सबीलें चल रही हैं, पानी तकसीम हुआ जा रहा है। ये जुलूस जो है कोई जंग लड़ गया है यहाँ से, जो इनको खुलेआम अल्लाह के नबी की नाफरमानी, रोज़ा होना चाहिए, रोज़े के पाबंद होने चाहिए। यहाँ तो शरबतें चल रही हैं पूरे बाज़ार के अंदर और उनको पिया जा रहा है बार बार। समझो ये अल्लाह के नबी के फरमान की खुली नाफरमानी है। हमने वो काम करना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और जिसका हुक्म नहीं किया, जिसका हुक्म दिया हमने वो काम करना है। असल दीन वो है। तो मेरे भाइयों मुसलमानों, ये मुहर्रम हराम का महीना बहुत ही अजमत और शान वाला है, ये गम वाला नहीं है। जो कह देते हैं कि ये गम का महीना है, ना इसमें शादी करें, ना खुशी हो, ना कुछ और हो, मेरे भाइयों कहाँ है ना कुरान के अंदर ना हदीस के अंदर कि इस महीने में जो है गम ही गम है, कोई खुशी नहीं करनी। हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह भी मुहर्रम के महीने में हुआ, निकाह भी मुहर्रम के महीने में हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने बुत तैयार किया तो 10 मुहर्रम का दिन था, 10 मुहर्रम का दिन था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली में से हज़रत अम्मा हवा को पैदा किया तो 10 मुहर्रम का दिन था। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप और आपकी बीवी हवा जो है जन्नत में आकर ठिकाना कीजिए, तो 10 मुहर्रम का दिन था।
दिन पानी के ऊपर तैरती रही। 40 दिन पानी के बाद जूदी पहाड़ की चोटी पर ठहरी। तो मुसलमानों 10 मुहर्रम का दिन था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद फिरौन के दरबार में बुतों को तोड़ा तोड़ की तो 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा तो 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के ऊपर हैं, जब अल्लाह ने आग से निजात दिलाई, या नारुनी बर्दुम सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली ठंडक बन जा, तो मुसलमानों 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पार किया, फिरौन समंदर के अंदर गर्क हो गया, तो मुसलमानों 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर गए, वजन पूरी इस जहां मुआजिबन फजल न अलकम नकदिरा अलैहि फमा था। तो मेरे भाइयों मुसलमानों, जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने क्या फरमाया, फनबसनाहु बिल अराई वहुवा सकीन। तो जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला तो 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला तो 10 मुहर्रम का दिन था। 40 साल के बाद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई वापस आई तो मुसलमानों 10 मुहर्रम का दिन था। तो मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बगैर बाप के तो 10 मुहर्रम का दिन था। जब सूली के ऊपर लटकाने लगे तो अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया तो 10 मुहर्रम का दिन था। 10 मुहर्रम का दिन इतना बाबरकत दिन है, सारी कायनात को जब तख्लीक किया अल्लाह ने तो 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत हुसैन को शहादत मिली तो 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत हुसैन को शहादत मिली तो 10 मुहर्रम का दिन था। और जब कियामत का दिन लगेगा सजा और जजा का, तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन होगा, वो भी 10 मुहर्रम का दिन होगा। मेरे भाइयों मुसलमानों, ये तो इतनी अजमत वाला महीना। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमारी के अंदर रहे, 18 साल बीमारी में रहे, तो 18 साल के बाद जब अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, जब अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और 18 साल की बीमारी को ख़त्म किया तो 10 मुहर्रम का दिन था। ख़त्म किया तो 10 मुहर्रम का दिन था। हम हजरत हुसैन नवासे रसूल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को कर्बला के अंदर जाने के बाद नहीं मानते कि उनके वहाँ घोड़े पे बैठे हैं तो वहाँ से मानना शुरू किया, मोहब्बत शुरू हुई, नहीं, बल्कि हम तो वहाँ से मानते हैं जब उन्हें फजल ने ख्वाब देखा था। हम तो अजल से मानते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को, इतनी अजमत और शान वाले उम्मे फजल औरत हैं। उन्होंने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परेशानी की हालत में दौड़ती हुई आई, आकर आकर दो जहाँ से फरमाया, अल्लाह के नबी मैंने एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बतलाओ उम्मे फजल आपने कौन सा ख्वाब देखा है। उन्होंने कहा कि मैं ख्वाब में ये देखती हूँ, आपके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा जो है कटता है, कटने के बाद मेरी गोद में आ जाता है। तो जब ये ख्वाब सुना तो वो तो परेशान थी, लेकिन सुनने अल्लाह के नबी ने सुना, सुनने के बाद मुस्कुराने लगे। फरमाया कि इस ख्वाब की तबीर ये है कि अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को, वो फातिमा जिसे मैं कहता हूँ फातिमा बिज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का हिस्सा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, उस फातिमा को अल्लाह जो है बेटा अता करेगा, वो बेटा मेरी गोद में आएगा और उम्मे फजल फिर तेरी गोद में आएगा। इस ख्वाब की तबीर ये है। मैंने कहा हम हजरत हुसैन को घोड़े पे बैठे हुए तब से मोहब्बत नहीं करते कि कर्बला में जाके उन्होंने बहादुरी दिखाई तो मोहब्बत करते हैं, हम तो उनसे अजल से मोहब्बत करते हैं। जब से अभी वो पैदा ही नहीं हुए, जब तबीर मिल गई ख्वाब की, तो हम तो वहाँ से मोहब्बत कर रहे हैं। सैयद शबाबी अहले जन्नत हसन और हुसैन, हजरत हसन और हुसैन जो है नौजवान जन्नत
کے سردار ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان کی تو شان اور عظمت اتنی ہے۔ حضرت حسین کون؟ حسین ہے کون؟ حضرت فاطمہ کے لفظ جگر جن کا نام حسین ہے، امت کے دلدار جن کا نام حسین ہے، دوش نبوت کے رسالت کے جو ہے کندھوں پہ بیٹھنے والے وہ حسین، ان کا نام حسین ہے، نواس رسول حضرت علی کا بیٹا حضرت فاطمہ پتول کا جو ہے لفظ جگر، اسے کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی عظمت اور شان والے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو پھر حضرت علی نے نام جو ہے حرب رکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا نام کیا رکھا ہے، انہوں نے گھر والوں نے بتایا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ جو، حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑاکا، میں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھوں گا۔ تو کتنی عظمت اور شان والے وہ حسین ہیں جن کا نام آپ کا دو جہاں نے رکھا ہے، جن کا نام آپ کا دو جہاں۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو کوئی معتبر بندہ، معزز بندہ، نیک بندہ نام رکھے تو بڑے خوش ہوں گے آپ کے علاقے کے مولوی صاحب نے نام رکھا، حافظ قرآن نے رکھا، قاری قرآن نے رکھا، عالم دین نے رکھا، خطیب نے رکھا، بڑا بابرکت بچہ ہے۔ تو جس کا نام کائنات کے دو جہاں سرکار نے رکھا ہو اس کی عظمت کیا ہوگی۔ تو مسلمانوں، نام حضرت حسین رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نام رکھنے کے بعد باری آئی اذان دینے، باری آئی اذان دینے کی۔ آپ کا بچہ پیدا ہو آپ ضرور ڈھونڈیں گے کہ کوئی نیک بندہ ہو جو میرے بچے کے کان میں اذان دے، میں قربان جاؤں اپنے حسین پر۔ کتنی عظمت والے ہیں جن کے کان میں اذان دی صحبِ معراج نے، جن کے کان میں اذان دی صحبِ قرآن نے، جن کی کان میں اذان دی جس کا چہرہ اللہ نے دیکھا اور اس نے اللہ کا چہرہ دیکھا۔ کتنی عظمت والے حسین ہیں جن کے کان میں آ گئے دو جہاں رحمت للعالمین، ایک جہان کے نہیں، دو جہان کے نہیں، ہما ارسلنا الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس ہستی نے حضرت حسین کے کان میں اذان دی، جب حضرت حسین کے کان میں اذان دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی زندگی میں دوبارہ اذان ہی نہیں دی، کبھی زندگی میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی نے کبھی اذان نہیں دی سوائے حضرت حسین کے کان۔ تو حضرت حسین کے کان میں اذان دی، باری آئی بھٹی کون دے گا، باری آئی بھٹی کون دے گا، تو آگے دو جہانے اپنی زبان حضرت حسین کی زبان پر ہے، اپنی زبان حضرت حسین کی زبان پر رکھی، حضرت حسین کے منہ پر اپنی زبان رکھی۔ بچپن میں جب یہ روتے تو اللہ کے نبی صاحب پاس بلا لیتے، بلانے کے بعد جو ہے اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے، اپنی زبان مبارک جو ہے ان کی حضرت حسین کے منہ میں دیتے، وہ چوستے چوستے سو جاتے، چوستے چوستے سو جاتے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ابا جان آپ کے دو جہاں کون سی ایسی چیز ہے آپ کی زبان میں کہ ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، روتے روتے جب آپ کی زبان چوستے ہیں تو سو جاتے ہیں، نیند بھی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری زبان میں ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ حسین کی جو ہے بھوک اور پیاس بجھ جاتی ہے، بھوک اور پیاس جو ہے اس کی بجھ جاتی ہے۔ حضرت حسین اتنا پیار کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چومتے بھی ہیں سونگھتے بھی ہیں، حدیث کیا ہے چومتے بھی ہیں سونگھتے بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی چومنا تو سمجھ میں آتا ہے پر سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا، آپ سونگھتے کیوں ہیں حضرت حسین کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں کہ حسین مجھے بہت پیارا ہے، اور سونگھتا اس لیے ہوں کہ حضرت حسین کے جو ہے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مسلمانوں یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ ایک جمعے کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ جو حسین کے بارے میں ہے اور حسین کی جو عظمت ہے، شان ہے، رفت ہے، اتنی بڑھ کر ہے کہ میں اتنی حدیثیں بھی بیان کروں آپ کے جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس میں ایک جمعے کا خطبہ نہیں چاہیے، اس میں جو کم از کم پانچ چھ خطبے چاہیے جس میں میں حضرت حسین کی شان بیان کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سن لیں کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ اس مہینے کی عظمت یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف نعرے مانے، فلا تسلیم فی
जितना अंश सब अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है, अरबातुन मिन्हा अरबातुन हुरुम, चार महीने हुरमत वाले हैं। कितने महीने हुरमत वाले हैं? चार महीने हुरमत वाले, असमत वाले। उनमें आपने ये काम नहीं करने। कौन से काम नहीं करने? उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसमें जो है गुनाह जो है कसरत से गुनाह नहीं करने। गुनाह तो वैसे भी मना है, लेकिन ये तौबे इस्तग़फ़ार वाले महीने इसमें इबादत को बढ़ा दें तो अल्लाह ताला हमें अजर क्या देगा। अशूरा का जो है हम जैसे दिन मनाते हैं, सबीलें भी चढ़ी हुई हैं, खुले आम बाज़ारों में फिर रहे हैं। मेरे भाइयों, अशूरा वाले दिन रोज़े का इतना अजर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके पिछले सात गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने